इंद्री में भारतीय स्टेट बैंक के नए भवन का विविध रूप से शुभारंभ किया गया। इस मौके पर भारतीय स्टेट बैंक के डीजीएम ललित मोहन ने रिबन काटकर बैंक का शुभारंभ किया। उनके साथ एजीएम गगन कुमार, ब्रांच मैनेजर विनोद कुमार, पूर्व मंत्री भीमसेन मेहता विशेष रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर बैंक के बाहर लगी एजीएम का भी रिबन काटकर शुभारंभ किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए डीजीएम ललित मोहन ने बताया कि ग्राहकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नई तकनीक युक्त इस भवन का आज विविध रूप से शुभारंभ किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बैंक के नए भवन में आज की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ग्राहकों को और ज्यादा सुविधा देने के लिए ग्रीन चैनल बैंकिंग व यूनो बैंक जैसी कई अन्य सुविधाओं को शुरू किया जा रहा है, जिसके माध्यम से कम समय में आप अपना पैसा बैंक में जमा व निकलवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के लोन लेने की शर्तों को भी सरल बनाया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लोन का फायदा उठाकर अपना व्यवसाय कर सके। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ नई प्रीमिसेस में ट्रांसफर किया। यहाँ पर इससे सबसे ज्यादा फायदा होगा सभी शहरवासियों को नहीं, बल्कि पूरे अलका वासियों को फायदा होगा कि जब वहाँ पर पुरानी बिल्डिंग में पार्किंग की या दूसरी असुविधाएं थी, वो सारे की सारी यहाँ सुविधाएं उपलब्ध हैं। पार्किंग भी अच्छी है और उसके साथ साथ इन्होंने जो नए तरीके से जो एटीएम बनाया है पैसे निकालने के लिए, पैसे जमा करने के लिए और दूसरी सुविधाएं दी हैं, बहुत ही एक अच्छी चीज़ यहाँ पर स्टेट बैंक ने दी है। सबसे पहले मैं इंद्री के सभी लोगों का स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि एक अच्छे जगह पे हम लोगों ने प्रेमिसेस खोले हैं। जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी, मार्केट की रिक्वायरमेंट थी कि कार पार्किंग प्रॉपर हो, ठीक है, 24 आवर्स जो है बैंकिंग कर सके, वो सारी फैसिलिटीज हम लोगों ने यहाँ पे दी है। और ख़ासकर जो है सो इस ब्रांच की खासियत ये होगी, जैसे सर ने बताया योनो कैश है कि बिना एटीएम को लगाए हुए आप वहाँ से ई लॉबी से अपना जो है कैश निकाल सकते हैं। और पेपरलेस बैंकिंग और डिजिटल बैंकिंग जो है आज के डेट में बैंकिंग इंडस्ट्रीज में ही नहीं, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है। तो डिजिटल बैंकिंग से रिलेटेड जैसे ग्रीन चैनल काउंटर है हमारे यहाँ पे, तो उसमें क्या है कि आपको ब्रांच में आकर के ना वाउचर नहीं भरने हैं, ठीक है, अपने कार्ड स्वैप करेंगे और आपके ट्रांजेक्शन हो जाएंगे। ग्रीन चैनल काउंटर, उसके भी यहाँ पे सुविधा लगाए हुए हैं। मैं ये भी चाहूँगा कि यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के ना अपने एटीएम कार्ड को ब्रांच के अंदर लाएँ, उससे अपने ट्रांजेक्शन को करें, जिससे पेपरलेस बैंकिंग होगी। पेपर यदि कम यूज होंगे तो पेड़ कम कटेंगे, इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट होगा, उस तरह से हमारे फ्यूचर्स भी बेटर होंगे। तो ये ग्रीन चैनल काउंटर की सुविधा भी आपके यहाँ है। और तो जैसे डीजीएम सर ने बताया कि ओवरऑल 360 डिग्री हर तरह की सर्विसेज हम लोगों ने यहाँ दी है। थैंक यू वेरी मच। मैं विनोद कुमार, शाखा प्रबंधक के यहाँ से, इंद्री ब्रांच से। काफ़ी दिनों से कस्टमर्स की डिमांड थी कि भाई आपकी जो मेन मार्केट में हमारी ब्रांच थी उसमें कंजेशन ज़्यादा थी, पार्किंग की सुविधा नहीं थी, तो वो चाह रहे थे कि भी बाहर कहीं स्पेशियस जगह पे अपनी ब्रांच शिफ्ट हो जाए। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे आज ये नई बिल्डिंग में अपनी ब्रांच को शिफ्ट किया है। और इसमें वो सभी सुविधाएं जो प्राइवेट बैंक्स में मिली थी वो हमें यहाँ देने का स्टार्ट किया है। जैसे कि ई कॉर्नर हमने स्टार्ट किया, ई कॉर्नर में बाहर से ही बंदा अपनी बैंकिंग कर पाएगा कि भी अपने कैश जमा कराना, निकालना है, पासबुक प्रिंट करानी है, तो वो बाहर से ही उसको कर पाएगा। अंदर है, अंदर हमने जीसीसी काउंटर चालू किया है, उसमें भी फ्रॉड से बचने के लिए अंदर ही उसने जीसीसी चलाएगा और कैश वो निकाल सकता है। बाकी जो भी सुविधा होगी हम यहाँ पे देने के लिए इंद्रीवासियों के लिए बैठे हैं और हम बेस्ट से बेस्ट सर्विस उनको दी जाएगी। थैंक यू। आशा यही है कि इंद्री ये नई नवीन शाखा जो है यहाँ के क्षेत्र में खूब बेहतर से बेहतर सुविधा प्रदान करे कस्टमर्स को, ग्राहकों को, और हर तरह की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है, चाहे उनको अपने बचत खाते खोलने हैं, करंट अकाउंट खोलने हैं, या कोई भी लोन अगर ऋण उपलब्ध कराने हैं, कोई भी उनके अपने बिजनेस व्यवसाय के लिए ऋण है, तो सभी तरह की यहाँ सुविधाएं उपलब्ध हैं। ई कॉर्नर का भी उद्घाटन आज हम लोगों ने किया है, जहाँ की उसमें एक पासबुक प्रिंटिंग मशीन है जो कि 24 आवर्स अवेलेबल रहेगी, एक कैश डिपॉजिट मशीन है जिसमें कि आपको शाखा में आके लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, इमीडिएटली कैश डिपॉजिट हो जाएगा, और दूसरा उसमें एक एटीएम मशीन भी है, तो आगे उसको हम लोग कार्डलेस विड्रॉल भी फैसिलिटी सुविधा प्रदान करेंगे उस मशीन के थ्रू। तो सभी के लिए आज भी लोग यहाँ पर नवीन शाखा का प्राइसेस का उद्घाटन करने के लिए सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो चाहे आपको अपना खाता खोलना हो, आजकल टेक्नोलॉजी में बहुत जोर है बैंक का, तो आपको बिना पेपरलेस भी अकाउंट हम लोग ओपन कर रहे हैं आजकल। सिर्फ अपने कस्टमर अपने मोबाइल से ही अपना अकाउंट खोल सकता है, ब्रांच में आकर के उसको वैलिडेशन करना है और उसको फॉर्म भी भरने की जरूरत नहीं, सिर्फ दो KYC डॉक्यूमेंट देगा उसका अकाउंट खुल जाएगा। योनो कैश इसी तरह से सुविधा उपलब्ध है बाहर के ATM में, जिसमें कि आपको बिना कार्ड के इस्तेमाल किए हुए आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं,
वो इनेबल्ड है, बट आई थिंक सुविधा अभी जल्दी हम लोग स्टार्ट कर देंगे, तो एक्टिवेट कर देंगे इस तरह की। बाकी जो भी आपके यहाँ पर अगर कृषि से रिलेटेड उनको अगर कोई अपना कृषि कार्य के लिए ऋण चाहिए, और आपका बिजनेस स्मॉल बिजनेस है, एसएमई बिजनेस है, एमएसएमई बिजनेस है, जो भी कोई भी हर एक एक्टिविटी के लिए यहाँ पर सभी तरह की सुविधाएं हम लोग यहाँ उपलब्ध कराएंगे। अंकुश के लिए मैंने जैसे आपको बताया ना योनो कैश, जनरली क्या है लोग चतुराई से आपका कार्ड या तो इमीडिएटली स्वाइप कर लेंगे, या कोई एक उसमें रीडिंग मशीन लगा करके आपका पिन कैप्चर कर लेते हैं, या आपका कार्ड का डेटा इमीडिएटली डाउनलोड कर लेते हैं। उन्हीं सब से बचने के लिए बैंक्स आई थिंक हिंदुस्तान में पहला बैंक है जिसमें कि पहली ये सुविधा उसने उपलब्ध कराई है, बिना कार्ड के इस्तेमाल के आप कैश निकाल सकते हैं, और बहुत आसान तरीका है। योनो हमारा एक ऐप है मोबाइल में जिसको डाउनलोड करते हैं, उसी तरह से आप उसी से सारी तरह की बैंकिंग सुविधाएं और उसी से सारी मार्केट प्लेस में खरीद फरोख्त, आजकल अमेजोन ऑनलाइन आपको शॉपिंग करनी है, टिकट रिजर्वेशन कराने हैं, जर्नी करनी है, तो ये सब चीज़ें कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं, ये सब तरह की सुविधाएं इस शाखा में उपलब्ध रहेंगी कस्टमर्स। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाए।